जेम्स वेब टेलीस्कोप, जिसे हमने स्पेस में स्पेस नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए भेजा था, उसकी रीसेंट डिस्कवरीज ने हमारी अब तक के पूरे स्पेस की एग्जिस्टेंस को प्रूफ करने वाली द बिग बैंग थ्योरी को ही डिसअप्रूव करने में एक कदम आगे बढ़ा। जी हाँ, जेम्स वेब ने ये प्रूफ कर दिया है कि बिग बैंग कभी हुआ ही नहीं। तो क्या ये सब कुछ फेक है? वेल, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो बातें हमारे सामने आ रही हैं वो आप ऐसे ही करके इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बिग बैंग के होने की जो डेट हमने कैलकुलेट करके रखी है, हो सकता है कि शायद वो डेट गलत हो। बेसिकली जेम्स वेब ने अपने जो इमेजेस रिसेंटली कैप्चर किए हैं, उनमें से कुछ इमेजेस सबसे ओल्डेस्ट गैलेक्सीज के भी थे, और जब हमारे साइंटिस्ट ने उन इमेजेस की मदद से गैलेक्सी को स्टडी करना स्टार्ट किया, तब उन्होंने ये नोटिस किया कि ओल्डेस्ट गैलेक्सीज के इमेजेस जो उन्हें मिले हैं, उनसे आती हुई लाइट और उनके स्ट्रक्चर में कुछ तो प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम्स इतने बड़े हैं कि वो हमारे अब तक के किए गए थियोरेटिकल कैलकुलेशंस के अंदर फिट ही नहीं हो पा रहे। लेकिन इन सारी प्रॉब्लम्स को समझने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर हम बिग बैंग जब हुआ था उस पर यकीन करते ही क्यों हैं, और उन्हीं बेसिस पर दूसरी थ्योरीज बन क्यों रही हैं। मतलब ये है कि इस थ्योरी को आइंस्टाइन, स्टीवन हॉकिंस जैसे बड़े बड़े मैथमेटिशियन और फिजिशियंस ने प्रूफ करके दिखाया था। अब अगर इसे हम स्टार्टिंग से देखें तो सबसे पहले पूरा का पूरा साइंटिफिक वर्ल्ड यही बिलीव करता था कि यूनिवर्स स्टेबल है, वो डायनेमिक नहीं है, ना ही वो एक्सपेंड होते जा रहा है वक्त के साथ साथ। लेकिन तब जिस वक्त में ये ऑब्जर्वेशन हुआ करती थी, जिसे थ्योरेटिकली प्रूफ करना बाकी था, तो आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को यूज करके इसे कहीं ना कहीं प्रूफ तो कर दिया था। लेकिन इस थ्योरी को सॉल्व करते वक्त उन्हें एक प्रॉब्लम तो फेस करनी ही पड़ी थी, वो ये कि जिस इक्वेशन की मदद से यूनिवर्स में होने वाली सारी चीजों को प्रूफ कर सकते थे, उसी इक्वेशन में उन्हें कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट डालना पड़ रहा था, ये प्रूफ करने के लिए कि यूनिवर्स स्टैटिक है। यानी कि यूनिवर्स को स्टेबल प्रूफ करने के लिए मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट वैल्यू को ऐड करना पड़ रहा था। अब अगर यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है, तो इसका सिंपल सा तो यही मतलब निकला ना कि उसकी कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा। अब आइंस्टाइन के बाद अगर हम देखें तो 1990s में डच फिजिसिस्ट W.D. सिटर ने बगैर कॉस्मोलॉजिकल के कॉन्स्टेंट के जनरल रिलेटिविटी की मदद से यूनिवर्स स्टैटिक है ये प्रूफ तो कर दिया था। लेकिन जब उनके सॉल्यूशंस को देखा गया, तब ये पता चला कि उन्होंने ही अज्यूम किया था कि यूनिवर्स में कोई मैटर है ही नहीं। और फाइनली इसके बाद आते हैं 1922 में मैथमेटिशियन अलेक्जेंडर फ्रेडमैन, जिन्होंने जनरली रिलेटिविटी को यूज करके ये प्रूफ किया था कि अगर यूनिवर्स मैटर से भरी हुई है, तो इसके हाई चांसेस हैं कि हमारा यूनिवर्स या तो ओपन है, या फिर मार्जिनली बाउंड है, या फिर क्लोज्ड है। ओपन यूनिवर्स का मतलब है यूनिवर्स जब से स्टार्ट हुई है कंटिन्यूसली एक्सपेंड कर रही है और बगैर किसी बाउंड्रीज के। अब क्लोज यूनिवर्स का मतलब है कि वो एक्सपेंड होने के बाद यूनिवर्स अपने मैक्सिमम साइज तक जाएगा और फिर वापस रिवर्स ऑर्डर में आकर कोलैप्स कर जाएगा। और अब फाइनली मार्जिनली बाउंड यूनिवर्स का मतलब होता है कि यूनिवर्स का एक्सपेंड शुरू होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसका एक्सपेंड स्लो होता जाता है, जब तक कि वो मैक्सिमम साइज तक नहीं पहुंच जाता। अब अगर हम इन तीनों मॉडल्स को देखेंगे, तो इन्हीं तीनों के तीनों मॉडल्स में क्लियरली एक स्टार्टिंग पॉइंट नजर आता है, जिसे कि हम बिग बैंग कहते हैं। लेकिन मसला ये है कि सारे के सारे मेथड्स बहुत पहले के हैं, और साइंटिस्ट आज की डेट में भी इसी थ्योरी को सही साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, ताकि हमें रिजल्ट्स इन्हीं थ्योरीज के आसपास ही मिले। लेकिन आजकल हम इन थ्योरीज को मॉडर्न टेक्नोलॉजी डिवाइसेस के जरिए टेस्ट करते हैं, जिससे हम गैलेक्सी के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, मैटर और एंटी मैटर के कॉन्सेंट्रेशन, ये सब कुछ स्टडी करके हम बिग बैंग को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, ताकि आज के एक्सपेरिमेंट में हम सेम रिजल्ट्स मिले। लेकिन मसला ये है ना कि जेम्स वेब ने हमें ऐसे बहुत से छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन दिखा दिए हैं जो कि शायद थ्योरी को गलत प्रूफ करते हैं। जैसा कि जेम्स वेब ने हमें गैलेक्सीज के कुछ अर्ली इमेजेस भी तो भेजे, और जब उनको साइंटिस्ट ने स्टडी किया, तब उन्होंने ये नोटिस किया कि वो गैलेक्सीज उनका शेप बहुत ज्यादा स्मूथ है, वेल डिफाइंड है, और काफी हद तक आज की गैलेक्सीज जैसा ही है। अब लेकिन मॉडर्न फिजिक्स तो हमें ये कहती है ना कि किसी भी गैलेक्सीज को इस तरह डिफाइंड शेप में आने में कई बिलियन मिलियन साल लग जाते हैं, लेकिन यहाँ तो बिग बैंग के बाद ये फॉर्म हुई भी गैलेक्सीज पहले से ही इतनी डिफाइंड शेप में। मतलब अगर उन्हें बिग बैंग के बाद इतना टाइम मिल गया, तो बिग बैंग जब हम सोच रहे हैं शायद तब हुआ ही नहीं था, बल्कि उससे बहुत पहले हुआ था। या फिर क्या वाकई में बिग बैंग कभी हुआ ही नहीं? लेकिन जेम्स वेब तो एक डिवाइस है ना, उसमें तो एरर्स भी आ सकते हैं, तो क्यों ना हम उसको थोड़ा सा साइड पे करें।
और बात करें यूनिवर्स में मौजूद एलिमेंट्स, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिजिक्स बिग बैंग के फौरन बाद जब यूनिवर्स बेहद गर्म थी तब यूनिवर्स में कुछ लाइट एलिमेंट्स बन गए, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम, जो कि बाद में तब से लेकर आज तक कभी फॉर्म ही नहीं हुई। और उसके बाद स्टार्स के बनने के बाद दूसरे एलिमेंट्स बने, लेकिन अगर हम आज यूनिवर्स में मौजूद लिथियम का काउंट देखें और उसे बिग बैंग के बाद वाले काउंट से कंपेयर करें तो वो काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि जिस पीरियड में हमें एलिमेंट्स के फॉर्मेशन को सोच रहे हैं वो पीरियड जितना हमने सोचा है उससे भी बड़ा है, मतलब ये कि बिग बैंग और भी पहले हुआ था। लेकिन इसके अलावा एक और आर्ग्यूमेंट भी है कि जो बिग बैंग तो प्रूफ कर लेता है लेकिन बिग बैंग के बाद यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस पर ही सवाल उठा देता है, मैटर और एंटी मैटर कॉन्ट्रैक्टिशन। जो बिग बैंग थ्योरी है वो हमें कहती है कि फिलहाल हमारे यूनिवर्स में जितना भी मैटर है वो सब कुछ एक साथ बिग बैंग के वक्त ही क्रिएट हुआ था। अब देखा जाए तो यहाँ भी यही कहा जा रहा है कि बिग बैंग थ्योरी या तो इनकम्प्लीट है या फिर शायद ही कभी हुई ही नहीं। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि जिन साइंटिस्ट ने इन थ्योरीज को हमें दिया है क्या उन्होंने इन सारी गलतियों को नहीं सोचा था? जी हाँ, बिल्कुल उन्होंने सोचा था, और इसीलिए मैथमेटिक्स का काउंटर आर्ग्यूमेंट भी देखा था जो कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब अगर बिग बैंग के वक्त मैटर फॉर्म हुआ था तो उसके अपोजिट में एंटी मैटर भी फॉर्म हुआ होगा, और अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ये दोनों कॉन्टेक्ट में जैसे ही आते हैं एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं, और बिग बैंग शुरू होते ही ख़त्म तो हो जाना चाहिए था ना। लेकिन नहीं, साइंटिस्ट ने यहाँ पर हार नहीं मानी, उन्होंने फिर भी आर्ग्यूमेंट जारी रखा कि हो सकता है कि शुरुआत में मैटर एंटी मैटर से थोड़ा ज़्यादा था और इसीलिए बिग बैंग के बाद मैटर बच गया जबकि एंटी मैटर तबाह हो गया। अब यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है साइंटिस्ट ने थ्योरी को बेल के रख दिया। देखो, अभी तक बिग बैंग थ्योरी की काफ़ी सारे वीकनेसेस हैं, इनके वीकनेसेस को सपोर्ट करने के लिए हम स्पेकुलेशंस और हाइपोथेसिस बना रहे हैं जिन्हें अभी तक टेस्ट ही नहीं किया गया है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि सालों से हमारी बिग बैंग थ्योरी, जिसके बेसिस पर हमने पता नहीं कितनी सारी थ्योरीज को एस्टैब्लिश किया है, अब जब इस थ्योरी पर ही सवाल उठने लगेंगे तो साइंटिस्ट कम्युनिटी पैनिक तो होगी।